श्री शिवाय। सुनने का अवसर मिला थे, सेवा करे का अवसर मिला थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऑलमोस्ट लगा। जिंदगी भर करना है लेकिन सेवा कभी कभार मिलते है ना, किस्मत वाला है जन्म सुनने पर और सेवा कर। की व्यवस्था सब हम दे देना, भोजन भंडारा फुल व्यवस्था कर देना, भोजन भंडारा ये देख सकता था संगवारी हो। अभी से जो है भक्तगण मन पहुंच गए हैं शिव महापुराण कथा सुने पर। अच्छा हमारे बालोद से आए हो, शिवाय नमस्तु भ्याम। कहाँ से आ दाई? शिव पुराण सुने बार, शिव कोड़िया गए हन, गंडई गए हन, भिलाई गए हन। के जो कथा है पंडित के कथा संसार में बेटा ओकर कथा के वर्णन नहीं कर सकन हमारे महाराजे, बड़ा गजब के ओकर कथा। शक्ति है तो भक्ति, हमारा भी भक्ति करना बंद हो गए वगैरह मिला थे। मन में श्रद्धा है भैया, हाँ। तो है मन में श्रद्धा चिड़िया का तो भगवान प्रति विश्वास नहीं करते, विश्वास है। तो कुछ इस प्रकार से तैयारी चला संगवारी हो, देख सकता हो भाई मन लगे हुए है पूरा तैयारी में जोरों शोरों से कावर की। शिवाय नमस्तु भी, हम हर हर महादेव, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए व्लॉग वीडियो में। और आज के व्लॉग वीडियो जो है बहुत खास होने वाला है, कावर की सावन के महीना चला थे और सावन के महीना में जो है शिव भक्ति के एक अलग महत्व रही थे। और आप मन बता देना चाहता हूँ शिव भक्त मन पर जो है बहुत बड़े खुशखबरी हवा है, बहुत ही अच्छा खबर हवा है। और सावन के महीना में आप मतलब श्री शिव महापुराण कथा देखे बर मिली, सुने बर मिली। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी है जो है एक बार फिर से जो है नया रायपुर में, नया रायपुर के कनौद में जो है शिव महापुराण कथा सुनाने वाला है और होने वाला है। कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन कराते हैं, क्या चीज़ की व्यवस्था है, भोजन भंडारा की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, रुके की व्यवस्था और बैठक व्यवस्था किस प्रकार से रही थी, पूरा जानकारी है वीडियो में आप मन ला देव। बने रहो संगवारी हमारे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो ला लाइक करूँ, हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दूँ। श्री शिवाय नमस्तु भी, हम हर हर महादेव करके। और पूरा तैयारी आप मन ला देखाबो किस प्रकार से तैयारी हुआ थे और कतक क्षेत्र में जो है यहाँ तैयारी चला था है और पूरी व्यवस्था के बारे में जानकारी देवो। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी पहुँचा संगवारी हो गनौद, जो नया रायपुर और पलौद और मंत्रालय है, पुलिस मुख्यालय है, ये जो है पूरा आसपास में हवा है नया रायपुर में। और वही जो आसपास के क्षेत्र में जो है ये मैदान हवा है जो गनौद गांव में हवा है और यही जो है ये आयोजन हुआ था शिव महापुराण कथा। तो चलो आगे की जानकारी आप मतलब पूरा विस्तार से बताओ संगवारी हो। 12 तारीख से शुरू होना है कथा रहा पिछली बार संगवारी हो मुंगेली के लोरमी में होने वाला रही कथा, लेकिन कुछ कारणवश से जो है कैंसिल हो गई सब है। तो जो है ओकर बदला जो है राजनांदगांव में हुई से ऑडिटोरियम में, जहाँ जो है भक्तगण मन है जाके वहाँ सुने हुए शिव महापुराण। ओकर बाद जो है आप मतलब मौका मिली एक गनौद गांव में जो शिव महापुराण कथा होने वाला है और यहाँ के तैयारी आप मन देख सकता हो किस प्रकार से चला थे। आप मन कहाँ से आए हो? कवर्धा से। अभी ले कथा सुने बर आए हो? यहाँ पंडाल में मैं बैठने बैठता हूँ 3 दिन 2 दिन का। अच्छा हमेशा एमो सातवा पंडाल। अच्छा और कहाँ कहाँ गए रहे हो एकर से पहले? हर जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ होते हो 2 दिन 3 दिन पहले जाता। कब के आ गए हो यहाँ? कल आए 6 बजे शाम। कल शाम के 6 बजे आए हो? और आप मन के साथ में कोई और? मैं अकेला हूँ, मन पालो तो मन पर्सनल तो और वरना सारा सामान ला ले था। बिस्तर पानी बाटल कपड़ा यानी आप सुनने के लिए आए? हाँ, सुने बरा था हर पंडाल। मैं कहता हूँ ये मैं कार्य नहीं 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 हम पंडाल में जाता ना। क्या नाम लिखता हूँ आप मन? पुष्प तिवारी। और जो पंडित जी है जो कुछ भी बताते हैं उपाय वगैरह सब सही, हम पंडित हैं महाराज।
उपाय वगैरह करता हूँ, लाभ मिला थे, लाभ मिला थे। अब घर परिवार में कौन कौन है? एक लड़का एक लड़की दोनों शादी हो गए हैं, बाकी मैं अकेला हूं। बेटा भी अपन ही रखे, बेटी भी सरकार चल रही है, मैं घर में अकेला हूं। घर बढ़िया परिवार के चल। श्री शिवाय नमस्तु भीमा, हर हर महादेव। तो संगवारी यहाँ के तैयारी वगैरह देख सकता हो, चला था वह 12 तारीख से जो है श्री शिव महापुराण कथा के आयोजन हुआ थी यहाँ। ये गनौत गांव हरे, और गनौत गांव के जो है आप मन पूरा देख सकता हो, बहुत बड़े मैदान है, और पूरा मैदान में जो है तैयारी पंडाल की व्यवस्था आप मन देख सकता हो। चलो आगे के तैयारी के बारे में भी आप मन ला दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से है संगवारी यहाँ के तैयारी। सावन के महीना में श्री शिव महापुराण कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख अरविंद से एक बार फिर से आप मन के छत्तीसगढ़ नया रायपुर में जो है सुने भर मिली, और ये देख सकता हो सुने भर मिली, देखे भर मिली। और ये सावन के महीना चला थे, सावन के महीना में जो है छत्तीसगढ़ में अभी दो बार, पिछली बार सावन के महीना रीस, पिछले साल तो जो तिल्दा नेवरा में आयोजन हो रही सवाए, और लाखों के संख्या में जो है भक्त मन पहुँचे रही सवाए श्री शिव महापुराण कथा सुने पर देखे पर। भैया कुछ भी सेवा वगैरह देना है तो आईडी वगैरह यहीं बनी। पहले तो आप मन के परिचय जानबो। मोर नाम संतोष तारक, ग्राम गनौत से हूँ, और कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्यभार करत हूँ। कब से कथा प्रारंभ हुआ? कथा प्रारंभ 12 तारीख से हुई, और अभी तो सब काम चलत है। पार्किंग अपन रखे हैं 2-3 किलोमीटर की दूरी में पार्किंग है, 2 किलोमीटर की दूरी में अपन भंडारा है, और सब व्यवस्था अलग अलग सब ला दे दिए हैं। सब अपन अपन हिसाब से सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, और जोर शोर से काम बहुत जड़ से होवत है, और एम कोई बहुत प्रकार की तकलीफ नहीं है। सब आवत है, सहयोग करत है, जैसे जैसे अपन अपन जो बन सकते हैं वो सहयोग अपन सब ला गाँव वाला बाहर वाला सब भाई बना के सहयोग देवत। जैसे पलौ साइड से नया रायपुर साइड से भी डाल रहा है ना, तो ओती कवैया मन पर पार्किंग की व्यवस्था कति पर है? ओती पर पार्किंग की व्यवस्था अपन कानून के उस पार से रही, उनके वो पार से बताओ, यदि पाता से वो पार से रही है, पाता से यदि धम्मी धम्मी गांव है यहाँ से रही, यदि बीरबीरा गांव से रही। पार्किंग ऐसे अलग अलग हर एरिया में अलग अलग पार्किंग दे देते। कतेक क्षेत्र में पंडाल के व्यवस्था हुआ था भैया? ये लगभग पंडाल के व्यवस्था मान के चल कि 10 एकड़ से 15 एकड़ के बीच में व्यवस्था पंडाल की व्यवस्था, और ऊपर से और आगे बढ़ाई जाएगी। अगर जनता उगा दी ना तो कम से कम 20 एकड़ में पंडाल लगाए जाए। सावन के महीना में आप मतलब कथा कराए के आयोजन कराए के मौका मिली, क्या बोलो? अब वो श्री शिवाय नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ की कृपा है, जो अपन गांव में अतका बड़ कथा के आयोजन हुआ थे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ ला, और सब ग्रामवासी और सब हमारे जैसे कार्यकर्ता है उम्र सब ला आशीर्वाद नाम से हमारे भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुआ। लोगन मन के जो सहयोग है कैसे किस प्रकार से प्राप्त हुआ? लोगन मन के सहयोग बहुत भरपूर हुआ थे, फुल सहयोग मिला थे, और सब तरह से सहयोग मिल के एक कार्य पूर्ण हुआ थे। कथा से पहली जो कलश यात्रा वगैरह होते हैं बारे में जानकारी चाहूँगी। कलश यात्रा अपन कल हुई 11 तारीख के, अपन कलश यात्रा ग्राम गनौत से निकलना है, सब गांव में बोल देंगे हैं जो कलश यात्रा में संघरना है वो कल 11 बजे से प्रारंभ हुई, तो अपन 4 बजे तक यहां मंच तक आना है।
पंडित जी के आगमन कब तक हो जी यहाँ? अब पंडित जी के आगमन लगभग कल 4 से 5 बजे के बीच में आ जाएगी पंडित जी। और कुछ व्यवस्था के बारे में, भोजन भंडारा के बारे में क्या बोलना है आप लोग? भोजन भंडारा की व्यवस्था सब हम दे देना, भोजन भंडारा फुल व्यवस्था कर दे। भोजन भंडारा के लिए बहुत दाना है और ओकर लिए कोई तकलीफ नहीं हो। सब ला बारी बारी से बढ़िया से प्रेम से अगर सब सहयोग करी सब ला खाना और सब ला मिली, ऐसे हमारे मन के भरसक प्रयास। जैसे पंडाल के है से बहुत बड़े मैदान हैं, तो मैदान के हम रही की होती है गनौत गांव में? नहीं, मैदान में ये जो अपन दिखा ना खरखराटी गाँव, हाँ हाँ, यदि वो जो दिखा थे वही जो घेरा, हाँ हाँ हाँ, वो वाले घेरा में अपन हो रही भोजन भंडारा की व्यवस्था। चलो बहुत बढ़िया है भैया। सब जगह ये समस्या है, बैठक व्यवस्था के बारे में कई जन बोलते हैं कि पास ला ले ले बना के करते पैसा ले ले, कैसे मतलब एक अफवाह होते ले आदमी मन के बीच में? वैसा नहीं है, सब ला जते भाई अपन आई दर्शालो दर्शक ला सब ला बिठाना है और जैसे जैसे आवाज जही वैसे वैसे बैठक जही और बैठार के सब ला सुनना है। और जो जजमान वाला है वो अलग है, जजमान वाला मन के बात तो मन जाना, तो जजमान जो है वो अलग से रही, ओकर व्यवस्था अलग रही, बाकी ये तो पूरा सब जनरल सब जगह पूरा रहे। सदन कम से कम रात थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तु भ्याम, श्री शिवाय नमस्तु भ्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ रिथा साहेब आप मन? कोसम खुटा। और ये